दोस्तों स्वागत है आपका। जल्द जो है टीम इंडिया को मिलने वाला है टीम इंडिया का अगला हेड कोच, जिसके लिए कई सारे दिग्गज जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट इस समय निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इस समय टीम इंडिया जो है वो कर रही है वेस्ट इंडीज का दौरा, और इसके बाद जो है टीम इंडिया अनाउंस करने वाली है टीम इंडिया का अगला हेड कोच, जिसके लिए दोस्तों 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो हेड है वो है कपिल देव, जो ये डिसाइड करने वाली है कि टीम इंडिया का अगला हेड कोच जो है वो कौन होगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए एप्लीकेशन की डिमांड जो है वो करी थी, जिसके लिए आखिरी डेट जो था वो था 30 जुलाई का। काफी सारे दिग्गजों ने हेड कोच के पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, करीब 200 एप्लीकेशन जो है वो आए थे सभी कोच के पदों को मिलाकर, जिसमें हेड कोच के लिए भी काफी सारे जो है एप्लीकेशन आए थे। और यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आई है अगले हेड कोच के लिए, जहां पर आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जितने भी एप्लीकेशन आए थे उनमें से 6 नामों को जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों, टॉप 6 नाम जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं बीसीसीआई ने, और इन 6 में से कोई एक जो है वो होने वाला है टीम इंडिया का अगला हेड कोच। बात करें दोस्तों 6 नामों की, कि कौन कौन से 6 नाम है जो कि हेड कोच के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो इनमें 3 इंडियन और 3 फॉरनर नेम जो है वो शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंडियन कौन कौन से नाम है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है यहां पर रवि शास्त्री का, जो कि इस समय भी टीम इंडिया के हेड कोच है। इनके अलावा दोस्तों लालचंद राजपूत और रॉबिन सिंह, ये 2 नाम भी जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये है 3 इंडियन नाम जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं बात करें फॉरनर प्लेयर्स की, फॉरनर नाम की, तो सबसे बड़ा नाम है यहां पर टॉम मूडी का, जो कि बहुत ही अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है हेड कोच का, ये यहां पर फॉरनर प्लेयर है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनके अलावा दोस्तों माइक हैसन और फिल सिमंस, इन दोनों दिग्गजों को भी जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये है टोटल 6 नाम जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है अगले हेड कोच के लिए, और इन 6 में से कोई एक ही जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा टीम इंडिया का अगला हेड कोच। इनसे अलग अब कुछ भी नहीं होने वाला, ये 6 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं बीसीसीआई ने। अब ये 6 नाम जो है वो दिए जाएंगे कपिल देव की 3 मेंबर की कमेटी को, और वो डिसाइड करेंगी कि टीम इंडिया का अगला हेड कोच जो है वो कौन होगा। लेकिन इन 6 में से ही कोई एक जो है टीम इंडिया का अगला हेड कोच होने वाला है। यहां पर दोस्तों बात करें टॉप कैंडिडेट की, तो सबसे बड़े कैंडिडेट है वो है यहां पर रवि शास्त्री, जो कि इस समय भी टीम इंडिया के हेड कोच है, और इनको यहां पर विराट कोहली का एक और बार सपोर्ट मिला है। ऐसे में इनके चांसेस जो है हेड कोच बनने के बहुत ही ज्यादा हाई हैं। इनके अलावा दोस्तों दूसरे जो टॉप कैंडिडेट है वो है टॉम मूडी। टॉम मूडी के पास भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हेड कोच का, और ये भी जो है अगले हेड कोच के लिए एक प्रबल दावेदार जो है। तो ये 2 टॉप कैंडिडेट है, और बाकी 4 की हमने बात करी। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, इन 6 में से कौन सा होगा टीम इंडिया का अगला हेड कोच, जल्द जो है हमें मिलने वाला है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।